गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड अगेन वेलकम बैक टू योर मैथमेटिक्स क्लास। सो इन योर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वेयर वी डिस्कस सम नंबर्स डिविजिबिलिटी ऑफ सम नंबर्स लाइक दैट द डिविजिबिलिटी बाय 10, 5, 2 and the 4. So all these numbers or the divisibility by all these numbers we have discussed in your previous class. Now in today's class we are going to discuss the divisibility by the remaining numbers, and the next number here is the divisibility by number 8. So first of all, dear students, tell me if your my voice is clear, you are listening to me very well, then please type yes in the live chat box with your complete name, then after which I will move on to the topic. So हमारे पास यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो नंबर आता है इन टूडेज क्लास विच इज़ द नंबर 8. सो आज हम बात करेंगे यहाँ पे किस तरह से हम नंबर 8 से सिंपली टेस्ट कर सकते हैं वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल और नॉट. सो देखिए दो मेथड्स होंगे हमारे पास. फर्स्ट वन तो हमारे पास क्या होगा, हम एक्चुअली क्या करें, डिविजन करें, बट वो सिर्फ पॉसिबल कब होगा, अगर हमारे पास एक स्मॉलर नंबर है. बट अगर हमें क्या मिले, एक लार्जर नंबर मिले, मीन्स अ नंबर हैविंग 4 digits, 5 digits, 6 digits एंड मैनी मोर digits, देन उसके लिए हमारे पास एक्चुअल डिवीजन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट होगा, अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं. सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 digits इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8. सो सपोज हमें कोई एक नंबर गिवन है, देन हमें क्या चेक करना है, हमें उसकी जो लास्ट 3 digits होंगी, मीन्स जो उसकी यूनिट्स डिजिट होगी, जो उसकी टेंस डिजिट होंगी और जो उसकी हंड्रेड्स डिजिट होगी, सो उन तीनों डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा ना, हमको क्या चेक करना है कि क्या वो नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है. अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल हो गया, दैट मीन्स वो कंप्लीट नंबर 8 से क्या होगा, हमारा डिविजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ सिंपली. सो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8. सो हमें यहाँ पे 2 numbers गिवन है एंड वी हैव टू सिंपली फाइंड विच नंबर इज डिविजिबल बाय 8. सो सबसे फर्स्ट नंबर देखते हैं. सो सबसे फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 78056. नाउ अब देखिए, 5 digit का नंबर है, मीन्स एक लार्जर नंबर है, सो एक्चुअल डिवीजन तो हम यहाँ पे कर नहीं सकते हैं. सो नाउ अभी हमने यहाँ पे पॉइंट में ऊपर क्या स्टडी किया है, अगर किसी गिवन नंबर की जो लास्ट 3 digits हैं उनसे जो नंबर फॉर्म्ड होता है, अगर वो 8 से डिविजिबल है, देन वो नंबर भी हमारा क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा. नाउ अब अगर मैं इस नंबर की लास्ट 3 digit की बात करूँ, सो इस नंबर की जो यूनिट्स डिजिट होंगी हमारी, यूनिट्स डिजिट क्या है इस नंबर की, दैट इज दी 6. टेंस डिजिट हमारे पास क्या है इस नंबर की, दैट इज दी 5. एंड हंड्रेड्स डिजिट हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, हंड्रेड्स डिजिट इज इक्वल्स टू 0. सो लास्ट 3 digit से क्या नंबर बन रहा है हमारा यहाँ पे, 056. नाउ अब देखिए, 0 तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, ये डिजिट हो गई, सो इसको तो हम सिंपली डिविजिबल नहीं कर सकते हैं. सो अभी हमें बेसिकली क्या देखना है, जो ये लास्ट 2 digits है इनको हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है. सो 56 की अगर मैं बात करता हूँ, सो 56 हमारा एक वो नंबर है जो 8 के टेबल में लाई करता है. इट मीन्स 8 क्या करेगा, 56 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. सो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस 56 इज डिविजिबल बाय 8, देन द नंबर 78056 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8. सो लास्ट की जो 3 digits थी वो भी हमारी डिविजिबल है 8 से इस नंबर की, दैट मीन्स ये कंप्लीट जो होल नंबर है ये भी हमारा क्या होगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा. सो दैट्स हाउ आप सिंपली फाइंड कर सकते हो वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट.
सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है किस तरह से हमने फाइंड किया है. नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर पे. सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे गिवन है. सो नेक्स्ट नंबर को देखते हैं सिंपली यहाँ पे हम. सो सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, दैट इज दी 394148. सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर है. नाउ अब इसकी सबसे फर्स्ट हम देखते हैं लास्ट थ्री डिजिट्स. सो यूनिट्स डिजिट इसकी क्या है, हमारी 8 हो गई. टेंथ डिजिट हमारे पास 4 है और हंड्रेड्स डिजिट हमारे पास क्या है, 1 है. सो द नंबर फॉर्म्ड बाय, सो आई कैन सिंपली राइट हियर द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट थ्री डिजिट्स इज. सो लास्ट थ्री डिजिट से जो नंबर फॉर्म्ड हो रहा है हमारा वो क्या आ गया हमारे पास, दैट इज दी 148. अब हमें चेक करना है वेदर 148 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट. सो यहाँ पे आप एक्चुअल डिवीजन से भी सिंप्लीफाइंड कर सकते हैं. सो अगर आप एक्चुअल डिवीजन करोगे यहाँ पे, देन आपको यहाँ पे सिंप्लीफाइंड होगा कि 148 आपका 8 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा. सो सिंपली हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सिंस 148 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, देन द नंबर 394148 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8. सो ये नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा. सो दैट्स हाउ, इस तरह से आप इजिली क्या कर सकते हो, बाय ऑब्जर्विंग द लास्ट थ्री डिजिट्स, सिर्फ लास्ट के थ्री डिजिट्स को ही ऑब्जर्व करके आप इजिली क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो. सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया किस तरह से हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट को फाइंड किया, सिंपली यहाँ पे वेरीफाई किया बाय द नंबर 8. सो नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर विच इज द डिविजिबिलिटी बाय 3. सो अब हम चेक करते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे अगर एक नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा. सो चलिए देखते हैं यहाँ पे सिंपली. सो हमारे पास यहाँ पे नंबर आता है डिविजिबिलिटी बाय 3. सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. सो एक नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा, अगर उसकी जो डिजिट्स है ना, उन डिजिट्स का अगर हम सम फाइंड करें, देन अगर वो सम डिजिट्स का जो सम आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल होगा, देन वो नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है. सो हम एक नंबर गिवन है 754206. सो ये हमें एक नंबर गिवन है, हमें फाइंड करना है वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. सो सिंपली हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, हम फाइंड करेंगे इस नंबर की जो डिजिट्स है ना उनका सम फाइंड करेंगे. सो चलिए सम फाइंड करते हैं यहाँ पे. सो दैट इज 7+5+4+2+0+6. सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिजिट्स गिवन है हमारे नंबर की. सो इनका सम क्या आएगा हमारे पास, सो सम हमारे पास यहाँ पे सिंपली इनका जो आएगा दैट इज़ द 24. सो जब आप इन सभी डिजिट्स को ऐड करोगे देन इनका सम क्या आएगा, 24 आ जाएगा. नाउ अब अगर हम 24 की बात करते हैं, सो 24 क्या है आपका, 24 हमारा डिविजिबल है किससे, 3 से डिविजिबल है. सो डिविजिबल बाय 3. और अभी हमने ऊपर क्या पॉइंट पढ़ा है, क्या पॉइंट हमने स्टडी किया, कि अगर किसी नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल है, देन वो नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा. सो आई कैन सिंपली राइट हियर देयरफॉर 754206 is divisible by three. सो हमारा ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा. सो दैट्स हाउ, इस तरह से सिंपली आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं. सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे गिवन है 853-7014. सो ये हमें यहाँ पे नंबर गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सम.
सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर. सो दैट इज 8 + 5 + 3 + 7 + 0 + 1 + 4. सो जब हम इनका सम फाइंड करेंगे देन द सम विल बी, इनका सम आ जाएगा 28. एंड 28 की अगर हम बात करें सो 28 हमारा 3 से डिविजिबल तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज 3 से डिविजिबल तो 27 होता है. एंड जो नेक्स्ट नंबर होगा 27 से वो 30 होता है हमारा. सो 28 तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, नॉट डिविजिबल बाय 3. सो ये क्या होगा हमारा यहाँ पे, नॉट डिविजिबल बाय 3. सो ये नंबर हमारा यहाँ पे जब इसका सम डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट्स वाई जो नंबर है वो भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा. सो आई कैन सिंपली राइट हियर, देयरफोर 8537014 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. सो दैट्स हाउ, इस तरह से आप सिंपली फाइंड कर सकते हो वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. सो आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है किस तरह से मैंने यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 3 की है. सो ये पॉइंट आपको लर्न रखना है कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो. सो सिंपली 3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो गिवन नंबर होगा उसकी जो भी डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड करोगे और फिर चेक करोगे वेदर द सम ऑफ द गिवन डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. सो सिंपली आपको इस पॉइंट को क्या रखना है, आप पे लर्न रखना है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर. सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे आता है डिविजिबिलिटी बाय 9. सो हम बात करते हैं 9 से डिविजिबिलिटी की. सो वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट. सो कैसे हम फाइंड करेंगे, सो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है, a number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9. So जैसा पीछे भी हमने क्या किया था, सॉल्व किया 3 के लिए भी हमने क्या किया था, गिवन नंबर की जो डिजिट्स थी उनका सम फाइंड किया था. सो सेम यहाँ पे भी हम वही करेंगे, बट अब की बार क्या होगा, जो सम आएगा डिजिट्स का वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, सो हमारे पास सबसे फर्स्ट नंबर हमें गिवन है यहाँ पर 6732018. सो ये नंबर हमें यहाँ पे क्या है, गिवन है. नाउ अब हमें क्या करना है, चेक करना है वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट. सो हम क्या करेंगे, इसकी जो डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड करेंगे. इट मीन्स 6 + 7 + 3 + 2 + 0 + 1 + 8. सो इन डिजिट्स का जो सम आएगा देन दिस विल बी 27. सो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 27 हो जाएगा. और 27 की अगर हम बात करते हैं, सो 27 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं बाय 3 टाइम्स. सो 9 क्या करेगा, 27 को 3 टाइम्स एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है. सो आई कैन सिंपली राइट हियर दैट दिस नंबर इज और द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9. और अगर ये सम डिविजिबल हो गया है 9 से, दैट मीन्स जो नंबर है हमारा वो भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा. सो आई कैन सिंपली राइट हियर देयरफॉर 6732018 इज डिविजिबल बाय नाइन. सो ये नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं. सो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें यहाँ पे नंबर गिवन है 5683712. सो फाइंड करते हैं वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स. सो सम क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 + 6 + 8 + 3 + 7 + 1 + 2. देन जो इनका सम आएगा डिजिट्स का दिस विल बी 32. सो ये क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा. नाउ 32 की अगर मैं बात करता हूँ, सो 32 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. 32 हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा. सो आई कैन सिंपली राइट हियर नॉट डिविजिबल बाय 9. सो 9 से अगर यहाँ पे डिजिट्स का सम डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स जो गिवन नंबर होगा वो भी हमारा क्या नहीं होगा, डिविजिबल नहीं हो पाएगा. सो आई कैन सिंपली राइट हियर देयरफॉर
5683712 इज नॉट डिविजिबल बाय नाइन. सो ये नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा. सो दैट्स हाउ, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाइंड कर सकते हो वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट. सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया है कंसेप्ट, कैसे हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया बाय द नंबर 9. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर. सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है, दैट इज द 11. सो अब हम बात करते हैं कैसे हम फाइंड कर सकते हैं वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट. सो अब देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए बाय द नंबर 11 हमारे पास 2 मेथड्स होंगे. सो वन बाय वन हम दोनों ही मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो दोनों ही मेथड की हेल्प से हम फाइंड करेंगे वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट. सो सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे मेथड वन की हम बात करते हैं. मेथड वन क्या होगा? सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स एट द ओड प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम टेंस प्लेस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11. सो देखिए क्या बोला हमें सिंपली यहाँ पे, एक नंबर 11 से कब डिविजिबल होगा? अगर उसके जो ओड प्लेसेस होंगे डिजिट्स के, कहाँ से स्टार्ट करेंगे अगर हम, वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे. एंड जो सम होगा किसका, इवन प्लेसेस का, जो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टेंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे डिजिट्स को काउंट करना. सो उन दोनों का जो सम से हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे. देन वो डिफरेंस अगर 0 आया या फिर 11 से डिविजिबल है, देन दैट मीन्स जो गिवन नंबर है वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा यहाँ पे डिविजिबल हो जाएगा 11 से. सो चलिए इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर हो करेंगे एक एग्जांपल को डिस्कस करके. सो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक नंबर गिवन है 573243. सो ये हमें यहाँ पे नंबर गिवन है, इसके अंदर हमारे पास कुछ डिजिट्स गिवन है. अब देखिए सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ओल्ड प्लेसेस की. सो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं उन डिजिट्स की जो कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ओल्ड प्लेसेस पे प्रेजेंट होंगी. देन दीज डिजिट्स आर, वो डिजिट्स कौन कौन सी हो जाएगी हमारी. सो 3 हो जाएगी हमारा, 2 हो जाएगा एंड 7 हो जाएगा. बिकॉज वंस से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है. मीन्स जो वन प्लेस पे आएगी, थर्ड प्लेस पे और फिफ्थ प्लेस पे आएगी. सो ये हमारे पास क्या आ गई है डिजिट्स, दीज आर दी 3, 2 and 7 आ गई है. सो आई कैन सिंपली राइट हियर सम ऑफ डिजिट्स एट ओल्ड प्लेसेस. सो ओल्ड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका सम, सो कितना आ जाएगा, दैट इज 3 + 2 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 12. सो 12 आ गया हमारे पास. नाउ अब बाकी की बची जो डिजिट्स हैं वो हमारी कहाँ पे आएगी, इवन प्लेसेस पे आएगी. दैट मीन्स जो हमारा 4 हो गया है, 3 हो गया है और 5 हो गया है. सो आई कैन सिंपली राइट हियर सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. सो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या आएगा हमारे पास, सो 4 + 3 + 5 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 12. सो ये भी 12 आ गया हमारे पास. देन देयर डिफरेंस, अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, देन देयर डिफरेंस इज इक्वल्स टू, सो 12 - 12 इट मीन्स क्या आ गया, 0 आ गया. और अभी हमने ऊपर पॉइंट में क्या स्टडी किया था कि जो डिफरेंस आएगा या तो वो 0 आ जाए, और अगर वो 0 नहीं है और डिफरेंस कुछ और आ रहा है हमारे पास, सो अगर वो 11 से डिविजिबल होगा डिफरेंस, देन नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा. सो यहाँ पे तो डिफरेंस हमारा 0 ही आ रहा है. सो दैट्स व्हाई आई कैन सिंपली राइट हियर देयरफॉर 573243 इज डिविजिबल बाय इलेवन. सो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा. सो दैट्स हाउ, ये हमारा क्या है यहाँ पे फर्स्ट मेथड है फाइंड करने का वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट. नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स. सो कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, इससे आपको यहाँ पे कंसेप्ट जो है आपका जो मेथड है ये और अच्छे से
क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नंबर गिवन है, दैट इज दी सेकेंड नंबर हमने यहाँ पे लिया, दैट इज 5869217। सो ये हमें यहाँ पे नेक्स्ट नंबर गिवन है। नाउ सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ओड प्लेसेस। सो ओड प्लेसेस पे देखिए कौन कौन से नंबर होंगे हमारे, 7, 2, 6 एंड 5। सो ये सभी नंबर्स हमारे क्या हैं, दीज आर दी नंबर्स ऑन ओड प्लेसेस। सो ये सभी ओड प्लेसेस के हमारे नंबर्स हैं। सो आई कैन सिंपली राइट हियर, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, सिंपली सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस। सो ओड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या हो जाएगा, सो दैट इज 7 + 2 + 6 + 5, इट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 20। सो 20 आ गया। नाउ अब जो रिमेनिंग है हमारी सिंपली, सो जैसे कि हमारा 1 हो गया, 9 एंड 8। सो ये सभी कहाँ पे आ रहे हैं हमारे, दीज आर एट द इवन प्लेसेस। सो इवन प्लेसेस के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, सो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। सो इवन प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट है हमारे पास, 1 + 9 + 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 18। नाउ अब इनका जो डिफरेंस होगा, सो डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, सो देयर डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू 20 - 18, दैट इज इक्वल्स टू 2। सो डिफरेंस क्या आ गया है, 2 आ गया है। नाउ अब क्या कंडीशन थी हमारी डिफरेंस से रिलेटेड, सो अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तो 11 से डिविजिबल होगा गिवन नंबर, और अगर जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। बट यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 की अगर हम बात करें सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11। सो 2 तो हमारा 11 से डिविजिबल ही नहीं हो पाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 11। सो दैट्स व्हाई आई कैन सिंपली राइट हियर, देयरफॉर 5869217 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। सो ये गिवन नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। सो दैट्स हाउ, इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। सो ये हमारा यहाँ पे क्या था, दैट इज द फर्स्ट मेथड। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया है फर्स्ट मेथड। सो नाउ अब चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट मेथड पे। सो सेकंड मेथड की बात करते हैं। सो सेकंड मेथड में क्या होगा हमारे पास, सो सेकंड मेथड हमारे पास यहाँ पे है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द सम ऑफ नंबर्स इन ब्लॉक्स ऑफ 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज डिविजिबल बाय 11। सो अगर हम क्या करेंगे, राइट साइड से स्टार्टिंग करेंगे नंबर की और कहाँ तक जाएंगे, लेफ्ट साइड तक जाएंगे, और क्या करेंगे हम, जो नंबर्स होंगे ना उनको 2-2 के ब्लॉक्स में लेंगे, यानी कि 2 डिजिट्स को हम एक साथ लेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम यहाँ पे, सो जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर गिवन है 918082। सो ये हमें यहाँ पे क्या है, हमें नंबर गिवन है यहाँ पे सिंपली। सो अब देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इनके ब्लॉक्स बनाने होंगे। सो ब्लॉक्स का मतलब 2 नंबर्स को एक साथ, तो ब्लॉक्स बनेंगे राइट साइड से। सो फर्स्ट ब्लॉक बन गया 91, नेक्स्ट ब्लॉक बन गया 80 और नेक्स्ट ब्लॉक बन गया 82। अब हमें क्या करना है, अब देखिए 3 ब्लॉक्स बन गए यहाँ पे डिजिट्स के। अब इन तीनों ही ब्लॉक्स को हमें क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है। अब जो सम आएगा वो सम अगर 11 से डिविजिबल है देन नंबर 11 से डिविजिबल होगा, और अगर नहीं है डिविजिबल सम इनका देन वो फिर 11 से भी डिविजिबल नहीं हो पाएगा। सो आई कैन सिंपली राइट हियर, सम ऑफ नंबर्स इन ब्लॉक्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स from right to left, from right to left. So क्या आ जाएगा सम हमारे पास, सो सम फाइंड करते हैं।
सो सम फाइंड कैसे करेंगे हम, सो 91, 80 एंड 82, सो हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है, देन दिस विल बी इक्वल्स टू 3 एंड दैट विल 25, सो सम क्या आ जाएगा हमारे पास, 253 आ गया है। अब हमें चेक करना है वेदर द 253 इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, सो 253 जो है हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा, सो दिस इज डिविजिबल बाय 11, सो ये हमारा क्या है यहाँ पे 11 से डिविजिबल है 253, सो दैट्स व्हाई आई कैन सिंपली राइट हियर, देयरफॉर 918082 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11, सो हमारा ये नंबर भी क्या होगा फिर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। सो दैट्स हाउ, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, दिस इज द सेकेंड मेथड, वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया कैसे यहाँ पे मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया। सो नाउ चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, सो नेक्स्ट एग्जांपल हमें यहाँ पे गिवन है, सो चलिए देखते हैं कैसे हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में हम सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे गिवन है, दैट इज द नंबर, सो द सेकंड नंबर हियर इज, सेकंड नंबर हमारे पास यहाँ पे गिवन है 375 4017, सो अगेन यहाँ पे नंबर को क्या करते हैं फ्रॉम द राइट साइड ब्लॉक्स में क्या करते हैं सिंपली डिवाइड करते हैं इनको। सो देखिए कौन कौन से ब्लॉक्स हो जाएंगे हमारे पास, देन दैट विल बी 17 40 75 एंड लास्ट में हमारे पास एक सिंगल डिजिट बचती है 3, सो हम इसको एज यूजुअल सिंगल डिजिट को भी क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे। सो कैसे ऐड करेंगे हम, सिंपली यहाँ पे सम क्या आ जाएगा हमारे पास 17 40 75 एंड 3, सो जैसे हम इनको सिंपली ऐड करेंगे सो नंबर हमारे पास क्या आएगा सिंपली यहाँ पे 515 एंड 1 कैरी आ गया इधर, देन देयर सम विल बी 135, सो सम क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे दैट इज दी 135। नाउ 135 की अगर मैं बात करता हूँ, सो 135 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, सो 11 से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सो नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर द गिवन नंबर 375 4017 इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय 11, सो गिवन नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। सो दैट्स हाउ, इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, दिस इज द सेकेंड मेथड, सो ये दोनों ही मेथड्स आप यूज कर सकते हो डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए फॉर द नंबर 11। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया है कंसेप्ट किस तरह से मैंने यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट किया। सो नाउ अब आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए सिंपली डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करने में। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर विच इज द नंबर 7, सो डिविजिबिलिटी बाय 7, सो अब हम बात करते हैं 7 से डिविजिबिलिटी की। सो कैसे हम फाइंड करेंगे वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, सो यहां पर हमें क्या करना होगा सिंपली, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस ऑफ सम्स इन अल्टरनेट ब्लॉक्स ऑफ 3 डिजिट्स From right to left is divisible by 7. So, देखिए 7 के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमें नंबर गिवन होगा उसमें हमें क्या करने होंगे, ब्लॉक्स बनाने होंगे, 3-3 के ब्लॉक्स बनाने होंगे, एंड जो अल्टरनेट ब्लॉक्स होंगे, अल्टरनेट का मीन्स है वन आफ्टर दी वन, अगर हम उन ब्लॉक्स का सम करके डिफरेंस निकाल रहे हैं देन जो डिफरेंस आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है दैट मीन्स जो हमारा नंबर है वो भी क्या होगा 7 से डिविजिबल हो पाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, सो हमें यहाँ पे एक नंबर गिवन है सबसे फर्स्ट, सो हमें यहाँ पे नंबर गिवन है 4753291172, सो ये हमें नंबर गिवन है, सो हमें क्या करना है राइट से हमें 3 डिजिट्स के ब्लॉक्स बनाने हैं। सो ब्लॉक्स क्या बनेंगे हमारे पास सिंपली यहाँ पे, सो हमारे पास सबसे फर्स्ट ब्लॉक बनेगा 272, देन 911, देन 532 एंड देन लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा 47 बनेगा। नाउ
अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमारे पास यहाँ पे कितने ब्लॉक्स आ गए हैं, 4 ब्लॉक्स आ गए। अब इन 4 ब्लॉक्स में से फ्रॉम द राइट साइड अल्टरनेट ब्लॉक्स को लेना है। सो लाइक दैट अल्टरनेट्स का मतलब सिंपली अगर मैं इस ब्लॉक को ले रहा हूँ, मीन्स अगर मैं 272 को ले रहा हूँ, देन इसके साथ मुझे अल्टरनेट क्या लेना पड़ेगा, दैट इज द 532। सो ये इसका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। सो अल्टरनेट ब्लॉक्स का सम क्या आएगा हमारे पास, सिंपली आई कैन राइट हियर द सम ऑफ द नंबर्स इन अल्टरनेट ब्लॉक्स ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो राइट टू लेफ्ट जब हम जाएंगे सो अल्टरनेट ब्लॉक्स का सम क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज, सो सबसे फर्स्ट हमारे पास अल्टरनेट ब्लॉक्स कौन से हो जाएंगे, दैट इज 272 प्लस 532। सो इन दोनों का सम क्या आएगा, दैट इज 804। नाउ अब जो बाकी के बचे अल्टरनेट ब्लॉक्स हैं, इट मीन्स 911 एंड 47, इन दोनों का सम निकालते हैं। सो 911 प्लस 47 देन दैट इज इक्वल्स टू 911। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है डिफरेंस को। अब दोनों का डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, देन देयर डिफरेंस सो डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, सो 911 माइनस 804, सो आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग देम हमारे पास नंबर आ जाएगा 154। सो 154 की अगर हम बात करें, सो 154 इज डिविजिबल बाय 7। सो 154 को हम 7 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली। सो दैट मीन्स जो गिवन नंबर है हमारा ये, दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। सो गिवन नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा किससे, 7 से। सो दैट्स हाउ, इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। सो नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं सिंपली यहाँ पे। सो नेक्स्ट हमें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर गिवन है, सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे आता है, सो सेकंड नंबर हमारे पास यहाँ पे गिवन है एग्जांपल, दैट इज 6805793192। सो अगेन 3-3 के ब्लॉक्स बनाते हैं। सो ब्लॉक्स क्या बनेंगे हमारे पास, फर्स्ट 192, सेकंड 793, थर्ड 805 और लास्ट में हमारे पास क्या बच गया है, 6 बच गया है। नाउ अब देखिए अल्टरनेट ब्लॉक्स लेंगे। सो फर्स्ट के लिए अल्टरनेट ब्लॉक्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 192 एंड 805। सो ये दोनों अल्टरनेट ब्लॉक्स हैं, सो इनको हम ऐड करते हैं। सो 192 प्लस 805 देन देयर सम विल बी, दैट इज 907। एंड नेक्स्ट हमारे पास अल्टरनेट ब्लॉक्स क्या आते हैं, एंड नेक्स्ट अल्टरनेट ब्लॉक्स आते हैं हमारे पास यहाँ पर, दैट इज 793 एंड द नंबर 6। सो 793 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 799। नाउ देयर डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 907 माइनस 799, देन देयर डिफरेंस विल बी 198। सो नाउ 198 की अगर हम बात करें, सो 198 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। सो 198 को हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स जो गिवन नंबर है दैट इज ऑल्सो Not divisible by, not divisible by the number 7. So given number भी हमारा 7 से divisible नहीं होगा। So that's how, इस तरह से हम simply क्या कर सकते हैं, यहाँ पे find कर सकते हैं whether a given number is divisible by 7 or not. So I hope आपको यहाँ पे concept भी अच्छे से clear हो गया है, समझ में आ गया है। So now चलिए अब हम move करते हैं next divisibility test पे। So that is the number 6. तो नंबर 6 की बात करें, तो सम नंबर 6 के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज बाय 3। सो एक नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा, अगर वो गिवन नंबर हमारा 2 से भी डिविजिबल है और किससे,
थ्री से भी डिविजिबल है। सो दैट्स वाई हम उसको क्या बोलेंगे कि वो नंबर हमारा सिक्स से भी डिविजिबल होगा। सो अब देखिए यहाँ पे हमें दो क्राइटेरिया देखने होंगे, पहला तो कि वो नंबर टू से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। सो देखिए पीछे हमने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में डिविजिबिलिटी बाय टू। सो टू के लिए डिविजिबिलिटी क्या थी हमारे पास, अगर यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है वो टू से डिविजिबल है तो नंबर भी टू से डिविजिबल हो पाएगा। एंड थ्री के लिए अभी हमने पीछे डिस्कस किया, अगर जो सम है डिजिट्स का नंबर की अगर वो थ्री से डिविजिबल है देन इट मीन्स वो नंबर भी क्या हो जाएगा, थ्री से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, सो सबसे फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 53022। नाउ अब देखिए इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ, सो यूनिट्स डिजिट इसके अंदर क्या है, टू है एंड दैट इज डिविजिबल बाय टू। सो इट मीन्स ये नंबर टू से तो डिविजिबल होगा। सो आई कैन सिंपली राइट हियर since the units digit in the given number is 2, so the given number is divisible by 2 is divisible by 2। सो 2 से डिविजिबल हो गया हमारे पास। नाउ अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं यहाँ पे। सो द सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा हमारे पास, सम ऑफ डिजिट्स। सो डिजिट्स का अगर हम सम करेंगे सो दैट इज 5 + 3 + 0 + 2 + 2, दैट मीन्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। और 12 की अगर मैं बात करता हूँ सो 12 इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स जो नंबर है नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो देखिए ये नंबर हमारा 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। देयरफोर द नंबर फाइव थ्री जीरो टू टू इज डिविजिबल बाय 6। सो ये नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया किस तरह से मैंने डिविजिबिलिटी को चेक किया यहाँ पे 6 से। सो नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, दैट इज दी 751024। सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे गिवन है, सेकेंड नंबर 751024। सो देखिए लास्ट डिजिट 4 है और 4 क्या है हमारा, 4 डिविजिबल है किससे, डिविजिबल बाय 2। 2 से क्या है, ये डिविजिबल है। अब हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सो 3 से चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सम करना होगा। सो सम ऑफ डिजिट्स दैट इज 7 + 5 + 1 + 0 + 2 + 4 हो जाएगा, देन देयर सम विल बी इक्वल्स टू 19। अब 19 की बात करते हैं तो 19 नॉट डिविजिबल बाय 3। सो 19 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सो दैट्स वाई द गिवन नंबर, सो देयर फोर आई कैन सिंपली राइट हियर 751024 is not divisible by 6। सो ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है, कंसेप्ट क्लियर हो गया है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, सो टाइम इज गेटिंग ओवर ऑफ योर क्लास। तो आपकी क्लास का टाइम यहाँ पे ओवर हो रहा है। सो नाउ आज के इस क्लास को हम सिंपली यहीं पे फिनिश करते हैं। एंड आई होप जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं टुडेज क्लास वो सभी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। एंड नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग है उनको हम डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर विच हम मूव करेंगे दी एक्सरसाइज 4.2 को। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।